YouTube चैनल ब्राइट करियर एकेडमी कुरावली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूरज राम राजपूत आपकी डिमांड के अनुसार कंपटीशन से संबंधित मैथ का चैप्टर नंबर एक लेकर उपस्थित हूँ। संख्या पद्धति, संख्याओं को लिखने के लिए एक खास प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है जिसे संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर एक, दशमिक अंकन प्रणाली। नंबर दो, द्विआधारी पद्धति। और नंबर तीन, रोमन पद्धति। दशमिक अंकन प्रणाली अथवा हिंदू अरबी पद्धति, डेसिमल सिस्टम, जिन संख्याओं को लिखने के लिए हम जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं वो क्या है? दशमिक अंकन प्रणाली। इसके लिए 10 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 10 अंकों के माध्यम से संख्याओं का निर्माण करते हैं। जैसे आप जान सकते हैं 37, 312, 182, 287, इस तरीके से और बड़ी बड़ी संख्याओं को भी लिखा जा सकता है। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? दशमिक अंकन प्रणाली के अंतर्गत। नंबर दो, द्विआधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम। इस पद्धति का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। 0 और 1 के माध्यम से टोटल संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर इस तरीके की संख्याओं को प्राप्त कर लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से लिख लिया। अब लिखना है हमें क्या? द्विआधारी पद्धति। तो यहां केवल आपके पास दो ही अंक है, 0 और 1। तो 0 वाले का तो 0 ही रहेगा, 1 वाले का 1 फर्स्ट हो गया। अब 2 के लिए और इसमें 0 और 1 से बनने वाली अगर संख्या देखें तो अगली कहां मिलेगी? 10 पर मिलेगी। तो भाई 2 का मतलब 10, 3, 1, 1 से क्या बनेगा 11, यानी 1, 1, 4, इस प्रकार संख्याओं को लिखते हैं। निकालने का तरीका क्या होता है? क्योंकि ये क्या है? बाइनरी सिस्टम है, इसीलिए दशमिक अंकन प्रणाली की जिस अंक या जिस संख्या का प्रयोग द्विआधारी पद्धति में परिवर्तित करने के लिए करते हैं तो हमेशा क्या? 2 का भाग देते हैं। जैसे इधर लिखा है 7, लिखा है 7, दशमिक अंकन प्रणाली का 7 लिखा है, इस 7 को बाइनरी सिस्टम में परिवर्तित करना है तो क्या करना होगा? यहां तो लिख लिया रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। यहां से भाग देना स्टार्ट किया, 2 का भाग दिया, 3 बार जाएगा, शेष कितना बचा? 1। फिर 2 का भाग दिया, 1 बार जाएगा, शेष कितना बचा? 1। अब लास्ट में 1 तो लिखना ही पड़ेगा, ये वाला 1 लिखा। तो इसमें रिवर्स, इधर से इधर को चलते हैं, यानी 7 का मतलब क्या है? 1, 1, 1। 7 का मतलब हो गया 1, 1, 1। इस तरीके से ये चेंज हो गए। और कोई संख्या लिख ले, जैसे संख्या को लिख लिया 12, इधर इसका लिखा रिमाइंडर, 2 से भाग दिया, कितने बार जाएगा? 6 टाइम, 6,
शेष बचा क्या शून्य, फिर दिया दो से भाग, थ्री टाइम जाएगा, शेष बचा शून्य, फिर दिया दो से भाग, एक बार जाएगा, शेष क्या बचा शून्य, और लास्ट में तो आपको एक लिखना ही पड़ेगा। सॉरी, दो से भाग दिया है, एक बार गया, लेकिन शेष क्या बचा है, एक, एक बचा है शेष। इधर से रिवर्स कीजिए इन्हें, तो इनका मतलब कितना हो गया, 1110, ये मान आ गया। तो इधर से आसानी से बाइनरी सिस्टम में आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। अब मुझे आना है इधर से इधर, जब इधर से इधर आना है तो एक शॉर्टकट बताते हैं जो इससे भी इजी है। वो क्या है शॉर्टकट, कि इधर से इधर आना चाह रहे हैं। अब इधर से इधर आने के लिए आपने यही वाला लिख लिया या और कोई लिख लेते हैं, 7 का ये आया था, 1 1 और 1। इस 7 को हमें चेंज किसमें करना है, दशमिक अंकन प्रणाली में चेंज करना है कि 7 इसका उत्तर आना चाहिए। तो क्या किया, सबसे पहले 1 1, फिर 1 के दुगने 2, 2 के दुगने 4, और इनका गुणा कर दिया, एक एक पार्ट का अलग अलग, 4 4 का 1 में 4 प्लस 2 का 1 में 2 प्लस 1 का 1 में 1, कितने हो गए 7। तो इधर से इधर आने के लिए ये विधि है। जैसे 12 के लिए क्या लिखा है, ये लिखा था, तो 1 का गुणा किया, फिर 2 का फिर 4 का, फिर 8 का, तो गुणा किया 8, 8 का 8 आ गया, 4 का 4 आ गया, 0 और 0 कुल मिला के टोटल कितने हो गए, 12। इसी तरीके से आप और भी संख्या को चेक कर सकते हैं, किसी भी संख्या को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब एक और देखते हैं, इसी का भाग दूसरा देखते हैं, ये कि 2 पे पावर 0 का मान कितना होता है, 1, 2 पे पावर 1 का मान कितना होता है, 2, 2 पे पावर 2 का मान कितना होता है, 4, 2 पे पावर 3 का मान 8, 2 पे पावर 4 का मान 16, 2 पे पावर 5 का मान 32। इस तरीके से आगे भी लिख सकते, 2 पे पावर 6 का मान 64, 2 पे पावर 7 128, 2 पे पावर 8 256, 2 पे पावर 9 512। अब इनका बाई चांस आपको जैसे मान चाहिए, ये मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इनका यदि आपको मान चाहिए तो क्या होगा, इस 1 को तो 1 ही लिखते हैं, और 2 को क्या लिखते हैं, 10, 4 को क्या लिखते हैं, 4 को, इस तरीके से। तो यहां से 2 पे पावर 1 तो 1 पर 1 बिंदी, 2 पे पावर 2 तो 1 पर 2 बिंदियां, 2 पे पावर 3 1 पर 3 शून्य, 2 पे पावर 4 1 पर 4 शून्य, 2 पे पावर 5 1 पर 5 शून्य, 2 पे पावर 6 1 और 6 टाइम 0, 2 पे पावर 7 यानी 1 और 7 टाइम 0, 2 पे पावर 8 1 8 टाइम 0, 2 पे पावर 9, इसी प्रकार ऐसे लिखा जा सकता है। इससे सुविधा क्या होती है आपको, जैसे आपको मान पूछा गया कि 33 का मान बताइए, तो 2 पे पावर 5 यानी 32 का मान तो हम जानते हैं, 1 पर 5 टाइम 0 आएगा, और अगला 1 बढ़ाने के लिए क्या होगा, 1 0 0 0 0 और यहाँ क्या आ जाएगा, 1, तो डायरेक्ट उसे लिख सकते हैं, इसीलिए 2 के पावर के रूप में इसे नोट किया गया। आ गई बात समझ में। अब आते हैं हम इधर किस पर, रोमन पद्धति पर। तो रोमन पद्धति पर अगर नजर डालें तो आप लोग 1 से 10 तक तो गिनतियां लगभग सब लोग जानते हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, इस तरीके से सब लोग इससे परिचित हैं। अब इसके साथ साथ
आगे की भी संख्याएं। तो कभी आपने विचार किया है जो छोटी क्लासों में बच्चे जैसे ही एंट्री करते हैं और एंट्री करते टाइम हम उन स्टूडेंटों को जीरो से लेकर यानी एक से लेकर और दस तक संख्याओं को लिखना सिखा देते हैं कि बेटा ऐसे एक लिखा जाता है, इस तरीके से दो बनाते हैं, इस तरीके से तीन बनाते हैं। पहले तो लिख के ओवर राइटिंग उन पर कराते हैं और जब ओवर राइटिंग वो करने लगते हैं फिर उन्हीं डिजिटों को अलग अलग इधर उधर लिख देते हैं, फिर से ओवर राइटिंग करवाते हैं सीरियन टाइम, फिर क्या करते हैं डिस बैलेंस करके इधर उधर लिख दिए, फिर उनकी पहचान कराते हैं कि बेटा एक कहाँ लिखा है, दो कहाँ लिखा है, तीन कहाँ लिखा है। और जब वो दस तक गिनतियां लिखना सीख जाता है तब उसे सौ तक की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से एक एक बनेगा, फिर वो सौ तक कवर कर लेता है। तो उसे आपने देखा होगा कवर करते कि अगर उसे पूछा जाए तो वो इस छोटी क्लास में ये नहीं बता पाता है कि नवासी कहां पर लिखा है या 88 कहां पर लिखा है, मतलब संख्याओं को नहीं जानता, लेकिन वो लिखना गिनतियों को लिखना सौ तक जानता है। कैसे जानता है, एक से लेकर दस तक लिख लिया, फिर उसने क्या किया, सबसे पहले उसने पेन से एक 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 करके बना दिया सबकी जगह, फिर क्या किया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और यहां कितने हो गए 20। अब क्या करेगा वो ऐसे ही दो दो करके बना देगा हर जगह, दो दो करके बना दिए, फिर उसने वही लिखा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और 30 लिख दिए। फिर क्या करेगा वो तीन तीन बना देगा इसी तरीके से, और इस तरीके से वो लिखते लिखते पूरी 100 तक गिनती लिख देगा। लेकिन यदि उसे पूछा जाए कि 23 कहां लिखा है तो उसे नहीं पता, लिखना आता है। ठीक इसी प्रकार आप भी लिखना सीख सकते हैं। तो आपने एक से दस तक का तो जानते हैं, दस तक का जानते हैं, अब दस का अंक आने के बाद फिर एक दो तीन चार पांच छह ऐसी फिर लिख दिया, फिर 20 यानी डबल एक्स आने के बाद फिर लिख दिया, फिर ट्रिपल एक्स आने के बाद फिर लिख दिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम क्या आ गई कि अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं इस तरीके से और आपसे पूछते हैं ये कितने लिखे हैं तो आप नहीं बता पाते हैं इन्हें। अब जब नहीं बता पाते हैं तो इसमें क्या है, मतलब अगर पास से देखेंगे एक एक तो गिन लेंगे और दूर से हम आपको देखने के लिए कह रहे तो नहीं पहचान पा रहे। तो इसी के लिए क्या है टैली अंक प्रयोग किए जाते हैं। टैली का मतलब चार तो बना दिए फिर एक काट दिया, फिर चार बना दिए फिर एक काट दिया, इस तरीके से फिर बना दिए फिर काट दिया और ऐसे कर दिया। तो दिखाई देने लगा कि ये कितने 16 लिखे हैं, तुरंत आ गया पहचान में। ठीक इसी तरीके से एक्स का मतलब है कि एक्स एक्स आखिर हम ऐसे कितनी बार बनाएंगे, तो कितनी बार बनाएंगे इसके लिए उन्होंने एक नियम लागू किया। क्या किया कि इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, आगे लगातार तीन बार कम करने के लिए पीछे केवल एक बार, और बचा फाइव पांच और पचास और 500, ये तीन अंक आगे बढ़ाने के लिए केवल एक बार, ये सिद्धांत लागू कर दिया। इस तरीके से जब सिद्धांत लागू कर दिया
इधर मिटा देते हैं पहले। अब यानी एक से लेकर तीन तक तो आप इधर से लिख सकते हो, चार लिखने के लिए पांच से बैक लौटना पड़ेगा, उसके बाद पांच से लेकर आठ तक तो लिख सकते हो, नौ लिखने के लिए दस से बैक लौटना पड़ेगा। ऐसे ही दस से लेकर उनतालीस तक तो आप इधर से लिख सकते हो, चालीस लिखने के लिए पचास से बैक लौटना पड़ेगा, और पचास से लेकर 89 तक लिख सकते हैं, 90 लिखने के लिए सौ से बैक आना पड़ेगा। ऐसे ही सौ से लेकर 399 तक तो इधर से लिख सकते हैं, 400 लिखने के लिए 500 से बैक आना पड़ेगा, इधर 899 तक लिख सकते हैं, 900 लिखने के लिए 1000 से बैक आना पड़ेगा। इस तरीके से संख्याओं को लिखेंगे। तो इसके लिए एक हम शब्द याद कर लेते हैं, LCDM। LCD तो जानते ही हो, अब LED चलती है, पहले क्या चलती थी, LCD, और CDM, ये रिलायंस ने एक सिम निकाली थी CDM, इसका मतलब क्या था, उसी की उसी में प्रयोग हो गई, तो CDM जानते हैं। L का मतलब क्या है, 50, C का मतलब कितना है, 100, M का मतलब 500, वो D का मतलब 500, M का मतलब क्या है, 1000। इस तरीके से संख्याओं को लिखा जा सकता है। अब आप देखिए संख्याओं को किस तरीके से लिखते हैं। हमने कहा 28 लिखिए, 28, तो पहले इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 28 यानी दो ढाई आठ इकाई 28 होते हैं, तो 20 और 8 28 हो गए। तो पहले 20 कैसे लिखते हैं, डबल एक्स, 28 के 8 कैसे लिखेंगे, बस आंसर हो गया 42। 42 को पहले क्या कहेंगे, 40 पे 2 42, 40 लिखने के लिए 50 से बैक लौटते हैं, बैक लौटते यानी एक्स एल 40 हो गए, 50 में से 10 कम कर दिए और 2 और बना दिए। ऐसे ही और किसी संख्या को लिखा, 87 को लिखा, तो 87 क्या है, 87। 80 को लिखने के लिए 50 से ऊपर जाएंगे, तो 50, 60, 70, 80 और 7 और बना दिए, 80 हो गए। हमें लिखना है 95, तो 95, 90 और 5, 90 लिखने के लिए क्या करते हैं, 100 से बैक आते हैं, 5 के लिए ये रहा। इस तरीके से इन संख्याओं को लिखा जा सकता है, आप जो भी संख्या हो उसे इस प्रकार लिख सकते हैं। हाँ एक बात और शेष है कि जैसे हमें लिखना है क्या, 5000 लिखना है, और MM लगातार कितनी बार बना सकते हैं, 3 बार, वो नियम कह रहा है, तो इसके लिए एक नोट करके और लिख सकते हो, किसी, यही जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव DIJ जितने भी प्रयोग हुए हैं, किसी अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगाने से संख्या 1000 गुनी हो जाती है। संख्या कितनी हो जाती है, 1000 गुनी। हमें लिखना है 5000, तो 5 बनाया, ऊपर लगा दिया बार का निशान, 5000 हो गए। तो अब आप प्रत्येक संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं।
संख्याओं को पहले दशमिक पद्धति से बाइनरी सिस्टम में परिवर्तित करना, उससे रोमन पद्धति में चेंज करना और रोमन से लिखाओ उधर से इधर आना। आप देख लीजिए किसी भी संख्या को नोट कर लीजिए, ये कर लिया नोट, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में तोड़ दीजिए पहले। 300 प्लस 40 प्लस 1, 300 कैसे लिखते हैं 53, 40 कैसे लिखते हैं 50 से बैक लौट कर और 1, तो ये हो गया उसका मान। इस तरीके से आप सभी संख्याओं को लिख सकते हैं। थैंक यू।